आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महत्तम का 8वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य जीवन में चल रही कठिनाइयों पर विजय पाता है और इस लोक में दान धर्म के कार्य करता हुआ अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। वैशाख महत्तम की कथा सुनाते हुए नारद जी ने राजा अम्बरीश से पूछा कि अब आप और क्या सुनना चाहते हो। तो राजा अम्बरीश ने कहा कि हे मुनिराज, अब मैं आपसे वह इतिहास सुनना चाहता हूँ कि किस प्रकार ऋषि श्रुतदेव ने अपने पिता को पिशाच योनि से मुक्त करवाया, जिससे कि उन्हें वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, जब मिथिला के राजा ने ऋषि द्वारा छिपकली को स्वर्ग भेजने का दृश्य देखा तो उनके मन में वैशाख महा में होने वाले पुण्य कार्यों के प्रति जिज्ञासा बढ़ गई। मिथिलापति ने ऋषि से कहा कि हे महात्मन, मुझे वैशाख महीने का महत्तम विस्तार पूर्वक सुनाइए। राजा की विनती सुनकर ऋषि श्रुतदेव बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख महीने में किए जाने वाले अन्न दान का एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे पिता रेवा नदी के किनारे पिशाच हो गए थे और भूख प्यास के कारण एक समय उनकी ऐसी स्थिति आ गई थी कि वे अपने ही शरीर का मांस खाने लगे थे। जंगल में छाया ना मिलने के कारण उनकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। पहले जन्मों में संचित किए गए बुरे कर्मों के कारण उनकी कंठ नली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था। इस कारण उन्हें दिन रात बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी व तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। हे मिथिलापति, एक बार जब मैं गंगा की यात्रा पर जा रहा था तो मैंने रास्ते में रेवा नदी के किनारे पर एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक भयंकर पिशाच बैठा है और वह अपने ही मांस का भक्षण कर रहा है। वह पिशाच प्यास के कारण बुरी तरह से चिल्ला रहा था। मुझे देखते ही वह मुझे मारने के लिए मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन मेरे तेज को देखकर वह हताश हो गया। हे राजन, मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, मुझे अपना सब वृत्तांत कहो, मैं तुम्हें शीघ्र ही इस दुख पीड़ा से छुड़ा दूंगा। मेरी बात सुनते ही वह पिशाच कहने लगा कि अनर्थ देश में भुवरावत नामक एक नगर था। उस नगर में मेरा जन्म संस्कृत गोत्र में हुआ। मेरा नाम मैत्र है। तप, दान और यज्ञ इत्यादि में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने वेद शास्त्रों से जुड़ी समस्त विद्याओं का अध्ययन किया, किंतु मैंने वैशाख के महीने में कभी अन्न का दान नहीं दिया था। मेरे विचार में मुझे इसी कारण ये पिशाच योनि मिली है और मैं दिन रात भूख प्यास से व्याकुल रहता हूँ। मेरी इस पीड़ा का मुझे और कोई दूसरा कारण दिखाई नहीं देता। हे राजन,
उस पिशाच ने कहा कि मेरा पुत्र श्रुतदेव बड़ा विद्वान है, वह बड़ा धर्मात्मा है। जो बात मैंने तुमसे कही है, यदि उस बात को तुमने मेरे पुत्र तक पहुंचा दिया तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। ऋषि ने मिथिलापुर के राजन से कहा कि अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर मैं रोता हुआ उनके पैरों में गिर गया और मैंने कहा, पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र श्रुतदेव हूँ और देव योग से मैं यहाँ आ गया हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके कथन अनुसार वे सभी कार्य करूँगा जिनके करने से आपके सभी दुख दूर होंगे। तब पिशाच योनि में पहुँचे श्रुतदेव के पिता ने कहा कि हे पुत्र, तुम यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान इत्यादि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि का दान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दो ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। हे मिथिलापति, मैं शीघ्र यात्रा करके अपने घर लौटा और पिता के बताए अनुसार मैंने वैशाख मास में अन्न और जल का दान किया। उस दान के प्रभाव से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वे मुझे आशीर्वाद देकर विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। सो हे राजन, वैशाख मास में अन्न और जल के दान का विशेष महत्व होता है। इस सुलभ दान को करने वाले वैकुंठ लोक में वास करते हैं। इति वैशाख महत्तम 8वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।